रहे हैं एसके न्यूज। एसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनामिका, दिन भर के बड़ी खबरों के साथ। ग्वालियर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जकीउर रहमान ने कब्रिस्तान एवं मस्जिदों पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी ग्वालियर को एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर संगठन के अधिकारी मोहम्मद अयूब खान एडवोकेट, इस्तकार खान एडवोकेट, मजहर खान एडवोकेट, मोहम्मद इदरीस खान, डॉक्टर रसीद अली हैदरी, अनीस खान, सलीम भारत खान, वसीम खान नियाजी, इमरान खान, अशरफ चौधरी के अलावा सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सनूर खान के साथ नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। मजारों दरगाहों को तोड़कर उसमें दफन मृत व्यक्तियों की हड्डियों को निकालकर फेंक दिया है और कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर लिए हैं, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज के लोग अपने पूर्वजों की कब्रों पर धार्मिक रीति रिवाज से बाधा पड़ने से वंचित हैं। निम्नलिखित कब्रिस्तानों का सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी करने की कृपा करें। नंबर 1, जैसे हमने दिया कब्रिस्तान चिल्लेसा ए बी रोड, सर्वे क्रमांक 55, हार कोटा में स्थित है। उप कब्रिस्तान की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने जनहित पिटीशन क्रमांक 1460/91 में आदेश दिनांक 21/8/91 को दिए थे, जिसके पालन में तत् समय कलेक्टर महोदय ने अतिक्रमण हटवाए थे। परंतु वर्तमान में कुछ लोगों ने कब्रों को तोड़ के दरगाह उनको नष्ट करके दुकानें और मकान बना लिए हैं, जिसके कारण मुस्लिम के लोग अपने पूर्वज की कब्रों पर धार्मिक रीति रिवाज से बाधा पड़ने से वंचित हैं। कब्रिस्तान नूर मस्जिद के पास भूतीपुरा, करीब 500 साल पुराना कब्रिस्तान है, जिसमें तमाम कब्रें भरी हुई हैं। उन कब्रों को नष्ट करके अतिक्रमणकारी बिल्डिंग के दुकान नथोली पर चला रहे हैं, जिसके कारण कब्रिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। कब्रिस्तान सागरतान की भूमि पर भू माफिया राय और उनके साथी जबरदस्ती गुंडागर्दी कर पल पूरा प्लॉट काट रहे हैं और मजारों कब्रों को नष्ट कर दिया है तथा कब्रिस्तान के अस्तित्व को समाप्त करने पर आमादा है। तत्काल भू माफियों को रोका जाए और कब्रिस्तान को मुक्त कराया जाए। कब्रिस्तान रामदास घाटी रेलवे क्रॉसिंग के पास की भूमि पर अतिक्रमण करके 12 कब्रों को तोड़कर इस पर भी अवैध अतिक्रमण कर लिए हैं। कब्रिस्तान रामजी का पुरा, ये कई विवाह का कब्रिस्तान है, इस पर भी अतिक्रमण कर लिए हैं। कब्रिस्तान गांधीनगर की भूमि पर भू माफियों ने कब्जा कर लिया है। दरगाह मौलवी जरीफ का, इसकी करीब 27 बीघा जमीन है, इस पर को इसको भू माफियों ने हड़प लिया और इसको बेच रहा है। कब्रिस्तान ख्वाजा कानून की दरगाह, यहाँ भी अतिक्रमण है। कब्रिस्तान गुड़ी गुड़ा का नाका, कब्र मस्जिद खुर्जेवाला मोहल्ला की भूमि पर दरगाह के ऊपर गुंडागर्दी के बल पर अवैध रूप से समीर का पूर्व जिला बदर को कुख्यात अपराधी ने अतिक्रमण करके मकान बना लिया है, इसका सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटवाया जाए। कब्रिस्तान पीर स्थान ग्राम पुरानी छावनी की भूमि को साबिर अली नामक व्यक्ति प्लॉट काट रहा है। कब्रिस्तान हसन काजी तक अपने वाले ने घेर लिया।